हेलो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो व्यूवर्स, आप लोग अगर मेरे तरफ अपने फोन से इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप लोग वॉइस हो या गर्ल्स हो, तो आप लोग इस प्रकार की इमेज को क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने फोन से और फ्री में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करते हो, इसके बाद सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। इस प्रकार से लिखने के बाद व्यूवर्स आपको इसे सर्च भी कर देना है। जैसे ही सर्च करते हो, इसके बाद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना होता है। तो आपको वो प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। मैं वीडियो में बता दूंगा कि आपको वो प्रॉम्प्ट किस प्रकार से मिलेगा। तो मेरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद इस प्रकार से आ जाना है और यहाँ पर व्यूअर्स आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हुए और यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप करना है। तो मेरा प्रॉम्प्ट इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। आपको ये प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा, मैं वीडियो में बता दूंगा। तो व्यूअर्स इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपने नेम को लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक नेम लिखा हुआ था, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने नेम को लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट वाले पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते के साथ ही इस प्रकार से इमेज क्रिएट होकर आ जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, मैं इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा इमेज क्रिएट किया हूँ, आप से लोग भी इस प्रकार से बहुत सारे इमेज को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इमेज पसंद ना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट वाले पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक नया इमेज क्रिएट होकर आ जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको इसे डाउनलोड करने के लिए आपको किसी एक इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट देखने को मिल जाता है, इस पे आपको टैप करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हो, इसके बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर एक और डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे भी आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका इमेज आपके गैलरी में डायरेक्ट सेव हो जाएगा और इसे आप लोग जहाँ पे चाहो अपने सोशल मीडिया में, अपने प्रोफाइल फोटो में, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो व्यूअर्स आपको ये प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। तो व्यूअर्स आप लोग अभी मेरे वीडियो को जहाँ पे देख रहे हो, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आपको वहाँ से कॉपी किस प्रकार से करना है और मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, आप लोग उसी प्रकार से कर सकते हो। अगर उस प्रकार से कॉपी करने नहीं आएगा तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख जाएगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। अपने व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओगे और यहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हो मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो आपको इमेज को क्रिएट करने इसी प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो, इसके बाद यहाँ पे ब्लू टिक लग जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। इसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, सर्च वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर और उसे सर्च भी कर देना है। इसके बाद फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे व्यूअर्स क्या करना है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पे आपको एक पेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका प्रॉम्प्ट इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपने नेम को भी चेंज कर लेना है और चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका इमेज क्रिएट होकर आ जाएगा। और व्यूअर्स आप से लोग इस प्रकार बहुत सारा प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो और इस प्रकार बहुत सारा इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, तो आप से लोग यहाँ से बहुत सारे प्रॉम्प्ट और बहुत सारे इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो आप से लोग इसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बहुत सारे नई नई प्रॉम्प्ट लेकर आता रहता हूँ, जो कि आप से लोग भी बहुत सारे तरह तरह के इमेज को क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने फोन से और फ्री में। तो व्यूअर्स आप इसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताएगा, और अगर आप से लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो चलिए उस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।